बिस्मिल्ल राम अलग मैं हूँ सैबी काजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाजिम बड़ी अहम खबर जो इस वक्त की सबसे ताज़ा खबर इमरान खान का सबसे बड़ा केस फॉरन फंडिंग ममनुआ फंडिंग हाई कोर्ट ने उठा के बार मारा है खान बाज़त भरा बारी हो गया अकबर एस बाबर जैसे लोग बुरी तरह डी हैरी जैसे नाकाम हुए मैनेज नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आने के बाद जी एच क्यू में बैठक हुई उसमें क्या बातचीत हुई नून ली की हुकूमत इसके तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने पर गौर करी कुछ नए फार्मूले भी लेकर आ रहे हैं वो क्या नए फार्मूले मैं आपके सामने भी रखता हूँ उसकी तफसील और नूली के अंदर बगावत भी बड़े हाई पैमाने पर शुरू हुई बड़े पैमाने पर यह अरकान जो निकल रहे हैं इसके पीछे वारदात क्या है क्यों जा रहे हैं मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ की मदद का एक फैसला तरीक़ाकार किस तरह वो मदद करेंगे कि ये हुकूमत रहे उनके फायदे के लिए है वो और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो लंदन में इन्होंने बातचीत की उस पर पोस्टमार्टम करना बड़ा जरूरी मेरी दिली ख्वाहिश और एम बी एस की अमरीका से मतलब ज़ाती गफ्तु लीक हुई क्या कह रहे हैं क्या मतलब है डोनल्ड ट्रंप पहला अमरीकी सदर फर्द जुर्म भी लग गई गिरफ्तारी और उसकी बात करते हैं पाकिस्तान की एक्सचेंज कंपनियों ने एक अरब डॉलर हुकूमत को महीने का अजीब उ गरीब मनसूबा और इसके साथ साथ डीज़ल जो ईरान से आपको पता है इतना ज़्यादा फैल चुका अगर उसको रोका तो क्या नुकसान होगा ये पूरा पाकिस्तान कैसे जैम करेगा इसकी तफसील बताऊँगा लेकिन ममनुआफ़ फंडिंग सबसे पहले एफ आई ए की इमरान खान की ज़मानत मनसूखी की उन्होंने दरख्वास्त दी इस्लाम हाई कोर्ट में फैसला आया तहरीरी कोर्ट ने ना सिर्फ एफ आई ए की दरख्वास खारिज की बल्कि तफ्तीली फैसले में पी टी आई के खिलाफ इस पूरे केस को ही फारग कर दिया एक सबूत नहीं मिला इन्हें कि कोई जुर्म किया हो कोई रकम ली हो कोई स्टेट बैंक से किसी गैर अकबर एस बाबर जैसे तमाम लोग जलील अखबार हो गया आज आठ साल से पी डी एम और पी पी दिन रात फॉरन फंडिंग फॉरन फंडिंग ममनो फंडिंग इल्जाम लगा लगा कर इसका कोई तलब वो मुसिन भोपाली उसको भी देखें पूरे का पूरा मुस्तरद वो भी उसने क्या क्या नहीं किया उसने इस बंदे ने अब उसको होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे उसको रगड़ा देना चाहिए लेकिन बहरहाल अब उसको रगड़ा क्योंकि उसके पीछे देखे ना ये इलेक्शन रुकवाने के लिए इनकी हर किस्म की वारदात थी हर किस्म की लेकिन उम्मीद है कि ये लोग अब मुँह की खाएंगे और जो आपने देखा जिस तरह अवाम असल में अदालतें सारी इस वक्त आज़ाद हैं जब अदालतें आज़ाद हों तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के मामला आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये कामयाब नहीं हो सकते इस केस के ऊपर इसलिए ज़्यादा ज़ोर था कि बड़ा शोर मचा हुआ था बड़ा शोर कि जी पूरी दुनिया में इमरान खान जी फंडिंग इकट्ठी कर करें है हालांकि बाकी पार्टीज़ की अगर आप फंडिंग निकाल के देखें एक एक की और मैं इस पर काफ़ी तफसील से माजी में जो है वो आ, बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ फॉरेन फंडिंग पे कि किस तरह इकट्ठे होते हैं पैसे कहाँ से किए जाते हैं वो एक अलग डिटेल है लेकिन बहरहाल कामयाबी हुई है अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया दूसरा उस पर असद दुरानी जनरल असद दुरानी के आई एस आई का सबक सरब्राह और इसकी बात सुनते हैं सारे अब बहरान बहुत बड़ा हो चुका है जनरल हेडक्वार्टर में कल भी इलेक्शन के मतलब बातचीत हुई तो फैसला ये करने जा रहे हैं कि चारों सूबों में एक ही बार पूरा इलेक्शन करवाएं जनरल असद दुरानी ने शहबाज शरीफ को बाकायदा लिख कर मशवरा दिया संजीदगी से और ये बात वहाँ तक पहुँचाई जा रही है कि आप इस्तीफ़ा दे कर निकल जाएँ इमरान ख़ान के हवाले करें यहाँ पर दो तीन किस्म के बड़े हवी मसायल हैं शहबाज शरीफ की अब क्या कुर्बानी जो वो देगा वो याद रखेगा नवाज शरीफ या नहीं नवाज शरीफ तो पहले से ना है अब शरीफ खानदान के दो सपूत दो सतून अगर गिर गए तो क्या मरियम नवाज़ सियासत को चला सकती है उसका जवाब जो इनकी अपनी पार्टी के रहनमा है, वो नहीं मान रहे बिल्कुल दूसरा लोगों ने निकाला कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दे ताकि उसकी जगह दूसरा नामजद करें वजीम कुरबानी का बकरा उसके पास भी वक्त मिल जाएगा फिर दूसरी गलती इसल करते रहें जब तक हल्फ उठा के ये इस पूरे सिस्टम को सबोटाज करें जितना कानून के दायरे में रहते हुए इस अमल को लटका लटका सकते हैं वो करें फिर इस दौरान इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी करवाएं और यह खेल चलता रहे। लेकिन यहां पर कानूनी नुकता बढ़ाया है मैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म दूली अगर शहबाज शरीफ शेव करेगा तो वो अकेला नहीं होगा कल वैसे बिलावल और शेरी रहमान बड़ी फनकार निकली काबीना के इजलास में निकली सुप्रीम कोर्ट ने हुए वफाकी हुत को दिया वफाकी वजी उसकी काबीना बिलावल जरदारी समेत ये सारे पीडीएम फारे बारा बिलावल आर्टिकल एक सौ नब्बे तमाम एग्जेक्टिव सुप्रीम कोर्ट का हुक्मत के लिए पाबंद है आर्टिकल 224 सौ चौबीस वाज तौर पर कहता है कि असेंबली की तहलील पर इलेक्शन वाले दिन हो नबे दिन के अंदर और फिर आर्टिकल सिक्स सबसे खतरनाक आय शिकनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दर, दरामद करवाए नबे दिन में एक इलेक्शन नहीं करवाया दोनों की खिलाफ वर्जी पे आर्टिकल सिक्स की सजा करदारी अब ये जो तीन नकात मैंने आपके सामने रखे हैं तीनों लॉ मौजूदा सूरत हाल को अपने जेन में रखें ना ये लोग भाग सकते हैं ना ही अपने दरमिया रास्ते के चक्कर में और वह दरमिया रास्ता चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लेकिन उस सफर का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए उन्नीस में आपको याद होगा ये वही तारीख दोहराई गई मैं पढ़ रहा था सारा तारीख उसमें इंसाफ करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट संजीदा है उन्होंने तमाम पहलू मद्देनजर रखे और उसमें सिर्फ एक मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनके पास और कोई रास्ता मेरे हाल में नहीं लगता कि अगर ये मार्शल आ लगवाएं तो अपनी जान बचा सकते हैं इमरान खान ने दो असम्बलियाँ तोड़ कर ने इस तरह फंसाया दोनों सुबह ही कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आप ऊपर से मोहर भी लगा दिया अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है जर्नेलों के पास ये ऑप्शन नहीं है मारशाला का लोग कह रहे हैं ना मार्शल लग जाएगा लग जाएगा देखिए माशी हालात इस वक्त यह डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है आईएमएफ एम एफ से मशकूक हालात है सऊदी अरब ने कल साफ का कोई ब्लैंक जैक नहीं दे रहे कोई पैसे देने को तैयार नहीं और म्म सितम जो मार्शाला के बग़ैर इन लोगों ने किया वो हम देख चुके हैं सब कुछ हो चुका है शहबाज शरीफ राना सलाह ख्वाजा आशफ भी अपनी सियासत खत्म करवा सकते हैं मरीम नवास्त लेकिन आसमरी जरदारी किसी सूरत में अपने वाहिद बैठेगी जैसे वजीम देखना उसकी ख्वाहिहश है उसकी सियासत खत्म नहीं करवाएगा इस जितने मर्जी बयान दें अमली तौर पर एक कभी भी असल जब मामला आएगा कम पीछे हट जाएंगे पंजाब और के पी में ये इलेक्शन होने देंगे नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मरकज़ को इकतदार देंगे नहीं कि नून लीग की देखें सियासी मौत और पीपल्स पार्टी की सियासी तबाही और बर्बादी अगर ऐसा होगा तो अठारवीं तरमीम सूबों के पास इख्तियार ज्यादा है वफाक के पास तो जिम्मेदारी ज़्यादा है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तहरीकन साहब वही करेगी जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया था आपको याद होगा मतमिन होकर फिर इमरान खान जो है बलोचिस्तान और सिंध में अपनी पूरा क्लीन स्विप मशी पाकिस्तान शेख मुजीब की पार्टी की तरह कर सकते हैं लेकिन आप नोट करें कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि नवाज शरीफ जब भी मुश्किल में होता है बॉर्डर पर टेंशन होती है एक नई है कल पता नहीं वो ड्रोन था यह जहाज़ था पिंडी गेब खोड़ दंदी ढलियाँ वो ढोबरा उस सारे इलाके में सोशल मीडिया पर बाकायदा फ्लैट ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा मुझे अंदाज़ा नहीं है उनका नाम जिन्होंने शेयर किया बड़ी खूबसूरत मालूम बड़ी ज़बरदस्त मालूम रिहान वहीद नाम है शायद उनका ये उनका डाटा फ्लाइट डाटा शेयर किया उन्होंने क्योंकि पूरा इलाका पिंडी घेट डोग पठान ढलिया वगैरह अब ये इतना अहम इलाका नहीं है मैं देख रहा था सारा सार। उसके ये यहाँ पर ऑयल फील्ड मतलब कोहूटा से अल बता है ये दो ढाई घंटे का रास्ता है अब ये वही रास्ता है जो हमारी जोहरी तवानाई की लबार्टी कोहूटा रिसर्च लबॉट्री और उस तरफ है और ये जोहरी तवानाई का इधारा आपको पता है हमारा अब उस पर क्या असरा क्या ये हिंदुस्तान के ड्रोन था या जहाज था निकला क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ ओ एस एन आई टीज डिफेंडर्स हैं इंडिया के सोशल मीडिया के अकाउंट्स अगर उनको देखें तो वो एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं बड़े अरसे से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं काफ़ी दिनों से वो अकाउंट चेक करें मैं कुछ कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ कुछ अकाउंट्स में कि हिंदुस्तान चीन को रोकने के लिए लद्दाख में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है पूरा एक उस सिलसिले में अब उन्हें लग रहा है पाकिस्तान के हालात इसको बड़े टाइट हैं तो हिंदुस्तान के लिए बड़े फेवरेट हैं तो क्यों ना वो इमरान खान को तो ज़ाहिर मोदी पसंद नहीं करता शहबाजशी उसे अच्छा लगता है अब वो पाकिस्तान की साइड गिलगित बल्तिस्तान पर हमला कर दें अब गिल्त बल्तान के सियासी सूरत हाल भी आपके सामने है कि वहाँ के वजी अल को पंजाब में नहीं दाखिल होने दे रहे हैं। इस सूरत हाल में वहाँ लोगों के अंदर खमो गुस्सा है टैक्सेस का इशू लद है अभी हड़तालें बड़ी चलती रही तो कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त मौका है एक तीर से दो शिकार हो जाए अब ये जानता है होगा ही मालूम आपके सामने रखी मुझे लगता है शहबाश की मदद की कोशिश हो सकती है इमरान खान की सियासत को आप मौजूदा सूरत हाल में देखें खान ने अपने आप को एक मुदब्बर सियासतदान किया है मैं आपको बड़ी जबरदस्त उसकी मिसाल देता हूँ देखें जिन जजेज ने उसे हुकूमत से, से निकलवाया वही जजेज़ इलेक्शन का फैसला देके वापस ला रहे फ्लैट चे, रिजीम चेंज ऑपरेशन में जिस काफ लीग ने वारदात की दो मेंबर से ना उनकी वजह से, से पूरी हुकूमत मरकज में खत्म हुई खान ने उसी काफ लीग को पंजाब में हुकूमत देकर उसी के जरिए इनकी हुकूमतें बनाई स्टैब्लिशमेंट ने देखिये उन्होंने क्या कि अपने पास जो बंदे रखे थे इमरान खान उन सबको छीन करना चुका है ये कहते हैं खान को जो सियासत नहीं आती वो इतहाई जाहिर लोग हैं ये सोचते भी हैं अमेरिका में देखें पाकिस्तान में इलेक्शन ना होने के नतज कह रहा है अमरीका के तबाहकुन होंगे रूस की तरह कोई इनकलाब आएगा <coughs> या खुदा ना खवास्ता खाना जंगी शुरू हो जाएगी कैमरन मंटर पाकिस्तान में सबक अमरीकी सफीर है उसने जो टाइम मैगजीन में जो इमरान सागा पे उस पर पूरा एक आर्टिकल आया उस पर उसने अपनी राय दी है इंटरव्यू पर इमरान खान अमरीका के लिए बिलाशुबा एक बेहतरीन चॉइस ने लेकिन एक ऐसा शख्स है जो गुरबत की मारी जंगी और बगावत के दहाने पर खड़ी रियासत को सिर्फ इकट्ठा कर रख सकता है बल्कि मामला चला सकता है क्योंकि फौजी एक शख्स में फॉरन रिजर्व तीन अरब के थे वो एक अरब के करीब आगे होंगे हम उसमें भी पूरे पाकिस्तान में भी वो पैसे तकसीम करें तो पंद्रह डॉलर नहीं किसी के हिस्से में आते तो रूसी इनकलाब दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं रजीम चेंज के बाद इन्होंने सारी की सारी ताकत इख्तियार्लैकमेलिंग डंडागिरी मार्ग धाड़ सारी की सारी नहते इमरान खान लगा दी हुआ कुछ नहीं खान का बयानिया लोगों के दिलों के अंदर घुस चुका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खौफ का बुत तोड़ के जो फैसले कर रहे हैं ये इस्तफाक नहीं है ये अल्लाह की तरफ से मदद है रमजान का महीने दुआएं आप करते हैं दिनराज ये नामुमकिन को मुमकिन बन रहे यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की यह ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान के एफ आई ए का जमानत मन सूखी की दरख्वास्तम अंदर करना था इन्होंने बड़े अरसे पीछे पड़े थे हाईकोर्ट वाले जमानत खारिज करनी है इमरान खान को इसमें से फंसाना है दहशतगर्दी के एक पर्चे में फंसाना है और इन्होंने इमरान खान ने पर कोई केस नहीं छोड़ा इन्होंने जो जो मिला जहाँ जहाँ से कोई जरा साबा बना सकते थे इन्होंने बना लिया आठ साल तो सिर्फ ये केस चलता रहा जो जोर लगाते रहे जी खान दिफा वो ट्रियान केस लेकर आ गए कभी दहशतगर्दी का केस लेके आ गए कभी वो जज का केस लेके आ गए अभी इमरान खान ने जो टाइम मैगजीन को कहा कि फौज और हुकूमत को फिक्र है कि मुझे बाहर कैसे रखना है अवाम को फिक्र है मुझे वापस कैसे लाना है अब देखें ये बात इस तरह की टाइम्स ने अच्छा लिखा है जी टाइम्स वैसे टाइम्स की अगर तो बातें सारी मान लें तो फिर नवाज शिफ और बेनजी करप्शन पर भी उन्होंने बड़ा कुछ लिखा है इमरान खान की मीशत पर बात की उन्होंने जी के सदर के साथ जिक्र किया देखें इमरान खान पहले तो खुद मान चुके हैं कि वो हमारी गलती थी कि सात महीने में हम ये सोचते रहे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उससे मईत तबाह नहीं हुई उसे इमरान खान ने रिवाइव किया वेखा फिर वो कहते हैं जी औरतों और्त, के दुश्मन है औरतों का पसंदीदा कहे तो मान लेते हैं खान ने कहा पर्दा करें क्या गलत किया उसने जिसने नहीं पहनना वो ना पहने उसकी मर्जी लेकिन इमान खान देखें ये मैं भी मुतफिक हूँ औरत का मर्दा पर्दा जो है मर्द की गैरत है अब किसी औरत ने नहीं बार की करना ना करें हमें क्या अब अफगानिस्तान में अमरीका ने हमला किया ज़बरदस्ती रहा खान ने कहा तालिबान को तस्लीम करो आप इसराइल को तस्लीम करने के लिए दुनिया भर में जा रहे हैं अफगानिस्तान को भी तस्लीम करो उनके अरबों डॉलर आपने दबा करके दे देवा वहाँ भूख थी गुरबत थी आपको याद होगा एक वक्त पिछले साल अब वो नहीं मानते चले इनकी राय है टाइम्स वालों की जो मर्जी जिसने मानना है ना माने अब नवाज शरीफ की तकरीर जो मेरा पसंदीदा मौजूद सबसे पहले जिस बंदे ने इसके साथ जो खड़े होते हैं ना जम्पू चुपाट तकरीर करते हुए वो गले मफलट का है उसे अंदाजा नहीं था कि जब भी कोई सियासी कारकुन पाकिस्तान में पार्टी छोड़ कर आता है तो इमरान खान उसके गले में मफलट डालता है यह रिवायत है इनकी तारीख इंसाफ की पार्टी के और इनकी पार्टी के लोगों ने बयानिया बनाया कि पट्टा न्याजी का डाल दिया न्याजी का शेरू बन गया अब ये इमरान खान जो मफला डालते वो नवाजशिफ ने क्यों पहना हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजा याफ्ता मुजरम की कहानी थी झूठ के मेडिकल सर्टिफिकेट पचास रुपए का स्टाम झूठ की बातें भागा दौड़ के वापस नहीं आया सऊदी अरब दस दिन के लिए जाने को तैयार हो गया बुलाया यहाँ डालते बुला बुला करता था कि नहीं आता कमजोर गलत और बेबुनियाद बातें दो जजेज ने फैसला दिया तो जुर्म हो गया जज फैसला करते हैं उनके पास हजारों केस आते हैं आपने कभी सुना है कि किसी जज की इस वजह से हम मुखालफत करें कि उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया और तो फिर इमरान खान बंदेल की एजाज हसन साहब चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिस की इन्होंने असम्बली तहली तहलील की खान की पिछले साल उनका फैसला खान को मानना ही नहीं चाहिए अब नवाज शरीफ के साथ खिलाफ फैसला देना जुर्म है आयन और कानून पर चलना जुर्म है नवाज शरीफ नबे की दिहाई में झूठ झूठ पर झूठ बाहर खुद निकलता नहीं कहता जी बाहर शायन एक बच्चे के डर से अब लंदन छोड़ के सऊदी अरब जा रहे हैं अवाम को कहते हैं निकले किधर निकले अवाम तो निकले हुए हैं नून लीग को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है माजी में ये लोग पार्टी का टिकट बेचा करते थे बड़े बड़े उम्मीदवार पार्टी फंड के नाम पर टिकट खरीदते थे तो माल आता था करप्शन बनती थी बहुत लंबा चौड़ा माल इस दफा तगड़े से तगड़ा उम्मीदवार इनका पार्टी फंड की बजाय इनसे पैसा ले रहा है मजबूत उम्मीदवार नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लेने को तैयार नहीं है बाईस अरकिन ने पंजाब में बखावत की है टिकट लेने से साफ इनकार कर दिया ये वही लोग हैं जो पूरी की पूरी पार्टी को फंडिंग करते थे चलती थी पूरी पार्टी इनके साथ में और दूसरी तरफ मैं देख रहा था इमरान खान वो टिकट इस तरह बांट रहा था वो होगा नाम लेके तो बनु से हो तुम्हारा नाम के नाम लिखो उसका कस टिकट दो मतलब मैं देख रहा टिकट ना होगी रेवड़ियाँ होगी खान साहब ईदी बांट रहे हैं ये होता है पता है खान को यकीन है जीतेंगे सारे क्लीन स्वीप इसीलिए मामला दूसरी तरफ ही लेके जा रहे हैं वो जनरल फैज़ के भाई के पीछे नजम हमीद उसके असास्से ज़्यादा बना रहे हैं पता नहीं जनरल आसि मुनर कह रहे हैं या मरीम साहिबा की ख्वाहिश है बहरहल शुरू हुए अल्लाह जाने के आपस में लगे रहे हैं बार दानश्वरों की घटिया तरीन किस्म जो जानते थे लियाकत अली खान को कत्ल किया बेनज़ीर को मारा गया मुशर पर बम बाम बम हमले हुए इमरान खान को कत्ल करने की अभी कोशिश की गई वो जहल गंदी नस्ल के लोग इन हिफाती जमात का मजाक उड़ाते जो अपने आप को बहादुर कहता है हालांकि साहबा की रवाया अपनी जान की हिफाजत करना अच्छा मोहम्मद ने सलमान की बात भी कर दी उस अपने निजी महफिल में कहा कि अमरीकियों को हमसे जो है वो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हमारी ज़रूरत है अब वो भी हमारे लिए वही करेंगे जो हम उनके लिए करते रहे बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अतमाद बता रहा है कि चीन रूस ईरान सऊदी अरब तुर्की अरब अमारात ये जो ब्लॉक है इसकी ताकत में तेल की मदद से कुत बढ़ रही है मत मुसमा की आवाज़ आ रही है अमरीका में भी इसीलिए बड़े बड़े जीबरी मामला हो रहे हैं नई तारीख बनी उनकी भी सबक डोनल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म लगी है मुजरमाना कार्रवाई ग्रैंड जूरी भी आई थी उन्होंने वोटिंग करवाई बाकायदा और प्रोसिक्यूशन जो है उसका मतलब उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद आ जाए वो जुर्म किया डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने कहा जी कि, कि इसने दौरान इलेक्शन जो है जो पैसा इकट्ठा थे उस तो खर्च किया उसकी तफसीत नहीं डाली फिर इसकी हामियों ने कैपिटल हिल पर खर हुआ कल था केस होगा उस पर भी चल लाए लेकिन ट्रंप कहता है कि ये सारी इंतकामी करवाई है डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंसाफ को मेरे खिलाफ हथियार इस्तेमाल करें और अमरीका का निज़ाम भी करप्ट है ये ट्रंप कह रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब अगले हफ्ते जनवरी में ट्रंप की पेशी है बड़े हजारों लोग वहां जमा थे में बात हो रही थी और अब देखिए दुनिया से अगर आप देखें इनका का कंपैरिजन करें से तो ट्रंप जो है वो एंटी वॉर है मोहम्मद बिन सलमान का दोस्त मिडल ईस्ट जहां जब ट्रंप था सारी की सारी लड़ाइयां झगड़े खत्म करवा दिए थे इसने मुझे इसलिए बेहतर लगता है मस्जिद अक्सा में जो मुजालिम हुए उसकी मैंने वीडियो शेयर की बड़ा अफसोस वाला वो वाक है लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक की उस पर लगे हुए हैं कि हमारी मुश्किल है उम्र मुसलमान से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए हमें खड़ा कम अज़ कम जरूर उनकी बात करनी चाहिए इसलिए वो छेड़ा है बल आगे देखेंगे इन शाला मलिक बोस्तान कराची में आपको पता है बहुत बड़े डीलर ओपन मार्केट में डॉलर से कह रहे हैं जी पाकिस्तान को चौबीस अरब डॉलर हम दे सकते हैं दो साल में मतलब एक अरब डॉलर में अगर आप आई एम एफ के प्रोग्राम से निकल जाए बड़ी बात है मतलब करेंसी चेंज इतनी बड़ी मार्केट ये इमरान खान के काम आएंगे जब वो आएंगे हुकूमत में ये बात आपको वीडियो में संभाल के रख ले कि जब खान साहब आए हुकूमत में उन्हें बताया कि चौबीस अरब डॉलर तो, तो इनके पास पड़े हुए हैं ये ख़ुद देने को तैयार हैं एक अरब के हिसाब से अल्लाह करे बस इलेक्शन हो और फिर ये जीते हुकूमत बने इनकी और ये मामला ठीक हों आपने देखा होगा मैंने अब कंपनी के ऊपर हाथ हल्का रखा होगा सुधरने का मौका देना चाहिए देखिए किसी को कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है हमारा क्या दुश्मनी है अल्लाह माफ़ करे किसी से ये कर आज ठीक है तो बताए वो के सही हो जाए मुल्क के लिए आए तो हमें इनसे किसी से कोई मसला नहीं है हमारी किसी से खुदा की कसम कोई दुश्मन नहीं मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है बस उसके साथ बेहतरी करें इमरान खान के साथ चलें लोगों के साथ चलें आवाम के साथ चलें मुल्क इन शाला ठीक हो इलेक्शन हो बेहतरी की तरफ आए बस यही तो ख्वाहिश है यही तो दुआ है बस और तो कोई हमें उससे कोई खास मकसद नहीं हमारी झाती लड़ाई थोड़ी है हम तो इनके रोमांस में थे किसी जबान है अपना खास ख्याल रखें अगली पीढ़ी तक के लिए मुझे इजाज़ अल्लाह हाफिज़